दो रन होते हुए देखते हैं चार न हो जाए। ओहो यही क्या गिरते हुए, एक ओवर में 31 रन है, दूसरा ओवर स्टार्ट होता हुआ। हेलो गाइज, आप देख रहे हो क्रिकेट विशाल। गाइज आज ग्राउंड में बारिश बहुत ज्यादा हो चुकी है, आप देख सकते हो पीछे विकेट भी कितना गीला है। तो गाइज आज हम क्या कर रहे हैं, हम टेनिस बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। जो भी लड़के ग्राउंड में आए, लड़के बहुत कम आए हैं और आज हम खेलेंगे टेनिस बॉल क्रिकेट, क्योंकि ग्राउंड गीला बहुत ज्यादा है साइड से भी। तो आज टेनिस बॉल क्रिकेट है, जितने लड़के आए वो आपस में दो दो जने की टीम बन रही है और एक टूर्नामेंट खेलेंगे। जो भी जीतता रहेगा वो टूर्नामेंट में आगे क्वालिफाई करता रहेगा। तो मैं आपसे मिलवा दूँ सभी बच्चों को जो आए हैं और टीम बना के हम स्टार्ट करते हैं टूर्नामेंट टेनिस बॉल क्रिकेट। हमने बाउंड्री सब लगा दी है, अभी दिखाता हूँ आपको अपना कैसे ग्राउंड बनाया और सबसे मिलवाता हूँ आपको। ग्राउंड में आए हैं नौ ही लड़के आए हैं जिनका मैच था, बाकी सब चले गए हैं, बारिश ज़्यादा हुई है ग्राउंड में। तो हमने बनाई है चार टीम, एक टीम में तीन लड़के हैं ये देख सकते हैं आप, और मेरी टीम में लेफ्टी है, एक टीम अवतार और गुलशन की है, एक टीम इनकी है। तो हमने क्या क्या किया गाइस, सबकी 10 रुपये एंट्री है, मतलब जो भी फाइनल जीतेगा उस टीम को 60 रुपीज़ मिल जाएगा और जो फाइनल हारेगा उसको, मतलब एक मजा आएगा मैच में, इसलिए हमने 10 रुपीज़ रखा है। तो फाइनल बहुत तगड़ा होने वाला है, टूर्नामेंट बहुत तगड़ा होगा, मिनी आईपीएल बोल रहे थे ऐसे सब लड़के, तो मजा आएगा आपको। तो अभी पहला मैच है इनका और इनका, साहिल की टीम का और अभिषेक की टीम का। तो देखना आप, पहला मैच स्टार्ट करते हैं इनका टॉस होने के बाद, एक दो ओवर का मैच होगा। तो गाइज पहले मैच का टॉस होता हुआ अवतार सिंह टॉस करा रहे हैं, तो स्टार्ट करो। तो साहिल की टीम ने बॉलिंग लिया है, ये बैटिंग करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं इनका पहला मैच। तो गाइज जो टीम बची हुई है वो अंपायरिंग करेगी, बाकी एक कीपिंग करेगा। तो पहले मैच की गाइज चार बॉल हो चुकी है, साहिल ओवर डाल रहा है और चारों बॉल डॉट है। तो पहला छक्का लग चुका है साहिल के खिलाफ, साहिल ने भी तो एक और चौका। जी हाँ, साहिल ने पूरा माहौल बना दिया है मैच में, 10 रन हो चुके हैं एक ओवर में। तो गाइस नॉकआउट टूर्नामेंट है, एक टीम हारते ही बाहर हो जाएगी और एक ओवर में 10 रन है, जो कि अभिषेक की टीम ने 10 रन बना दिए हैं। एक और चौका, कुछ नहीं है। तो गाइज इसका जो रेड कोन है इससे इधर के रननी है और इधर जो ये येलो कोन है इससे इधर के रननी है, तो ये कुछ नहीं है। चार बॉल हो चुकी है, छक्का। जी हाँ, साहिल का भूत उतरता हुआ साहिल की टीम का। गाइज इन्हें टारगेट मिला 21 रन का, तो साहिल जा रहे हैं बैटिंग पे, उधर दीपक पूरा देखते हैं मैच का क्या होगा। पहला मैच चल रहा है टूर्नामेंट का। गाइज ये मैच खेलने का फायदा बहुत है, क्योंकि आपको फील हो जाएगी पूरा टूर्नामेंट में, प्रेशर में आपको खेलना पड़ेगा। तो अभी साहिल चेज हो रहे क्या रन? जी भैया लग तो रहा है चेज हो जाएंगे, देखते आगे देखते हैं अभी। तो दूसरा मैच आपके भाई का है, वो होगा इनके साथ गुलशन और अवतार की टीम के साथ। तो इसके बाद हमारा मैच है, फिर आपको दिखाता हूँ अपना भी मैच। पहली बॉल खेल रहा है साहिल और जी हाँ, पहला लंबा छक्का साहिल ने पहला छक्का लगा दिया है। तो आगे क्या हिसाब है भैया, देखते हैं। आप तो पहली बॉल पे आ गया भैया, अभी तो 11 बॉल। तो गाइस बारिश में ये फायदा होता है, आप घर रहने से अच्छा है कि यहाँ पे आके फील्ड ग्राउंड पे ये टेनिस का मैच चल रहा है। और एक और छक्का, यहाँ पे फुल फॉर्म में साहिल, दो छक्के लग चुके हैं। तो गाइस ये फायदा होता है जब बारिश होती है ग्राउंड में, कुछ ही लड़के हैं तो अपना टेनिस का टूर्नामेंट चल रहा है। तो ऐसे ही आप भी अगर जब भी बारिश होती है, तो आगे दिखाता हूँ मैं, अगला मैच हमारा भी है। कितने रन चाहिए? 12 रन रह गए अभी, नहीं रन चाहिए कितने? तो 9 रन बचे हैं अभी, दो बॉल हुई है। आपका भाई भी तैयार है नेक्स्ट मैच के लिए, पूरा सूज निकाल दें और नेक्स्ट मैच हमारा ही है। तो साहिल की टीम अभी ऊपर चल रही है, पूरा स्टांस खोला हुआ है जैसे गेल खेलते हैं पर, और छक्का चौका और एक और छक्का, साहिल ने 100 पे जिता दिया है और फाइनल के प्रबल दावेदार बन चुके हैं। विशाल चौधरी भैया का और गुलशन का, और ये टॉस उछला। तो टेल क्या करना है, बॉलिंग? और यहाँ पर टॉस जीतकर विशाल चौधरी ने बॉलिंग का निर्णय लिया और यहाँ पर गुलशन और की बैटिंग, और यहाँ पर गुलशन ओपनिंग आते हुए, और आपको मैं दिखा दूं विशाल चौधरी भैया अपने हाथ खोलते हुए बहुत शानदार तरीके से बॉल करते हैं, अपने नेक नुक पूरी मोड़ते हुए। यहाँ पहली बॉल विशाल चौधरी के बॉल हाथ से, गुलशन तैयार
और बहुत जबरदस्त स्लोअर बॉल के साथ शुरुआत किया विशाल चौधरी ने। यहाँ पर डिफेंस करके टाला उस बॉल को, बहुत तगड़ा बॉल था। विशाल चौधरी भाई दूसरी बॉल लेके आता हुए बहुत शानदार रन अप के साथ, और आप देख सकते हैं एक और डॉट बॉल कर दिया यहाँ पर गुलशन। और यहाँ पर गुलशन ने पहला छक्का मारा है इस मैच का, 3 बॉल में 6 रन, बहुत अच्छा शॉट था। और यहाँ पर नितिन कैच के कारण बहुत तगड़ी तरीके से गिरे, कम से कम 10 मीटर के स्लाइड मार के। और ये 5वीं बॉल गुलशन ने एक और बॉल खाली कर दिया यहाँ पर, लास्ट बॉल ओवर की। और ये बहुत शानदार छक्का मारा है यहाँ पर गुलशन ने, बहुत शानदार, 1 ओवर 12 रन, 1 ओवर की समाप्ति पर 12 रन। दूसरी बॉल भी डॉट करी है यहाँ पर, और ये रन आउट का पूरा चांस मिला था यहाँ पर नितिन की बहुत शानदार तरीके से फील्डिंग। एक और शानदार छक्का यहाँ पर दूसरे ओवर की 3री बॉल पर, 19 रन करे, बहुत शानदार लंबा छक्का, आप देख सकते हैं कहाँ जाके गिरी बॉल। मैच में साहिल ने एक ही तरफा मैच को जिताया अभिषेक की टीम को हराकर। और यह बैटिंग पर अवतार सिंह स्टांस लेके तैयार, और यह खड़ी कर दिया गेंद यहाँ पर, शायद ये कैच हो जाएगा। और यहाँ पर नितिन का बहुत शानदार कैच, अवतार आउट, लास्ट बॉल है इस मैच की। और ओवर हो रहा है, रन हो रहे हैं 20। स्पेशल फेस करेंगे नितिन करते हुए, और यह बहुत शानदार छक्के के साथ यहाँ पर खत्म किया है मैच को। एक इनिंग खत्म हुई है यहाँ पर जिसमें 26, विशाल चौधरी भैया को 27 रन चाहिए जीतने के लिए। गुलशन की टीम ने 2 ओवर में 26 रन बनाया, और विशाल चौधरी भैया की टीम को चाहिए 2 ओवर में 27 रन। वैसे ये मार सकते हैं, बहुत शानदार खेलते हैं खिलाड़ी। और पहली बॉल पे ही बहुत शानदार कवर्स के ऊपर से चौका। और यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था विशाल चौधरी भैया ने, बहुत शानदार कवर्स के ऊपर से सीधे बल्ले को दिखाकर छक्का मार दिया। आप देख सकते हैं इस खिलाड़ी का खेलने का अंदाज, पहली बॉल से ही बहुत तगड़ा खेलता है खिलाड़ी। अब विशाल चौधरी की टीम को चाहिए 11 बॉल में मात्र 21 रन। पहली बॉल पर इन्होंने बहुत शानदार छक्का मारा है कवर्स के ऊपर से, और गुलशन ने अपनी साइड चेंज की, शायद इस साइड से ही बहुत लंबा खाने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया बॉल गुलशन की, यहाँ पर विशाल चौधरी भैया ने 3री-4थी बॉल का सामना करते हुए स्टांस लेकर तैयार। और बहुत शानदार तरीके से एक और 6 रन, बहुत तगड़ा छक्का मारा है विशाल चौधरी ने यहाँ पर। और ये यहाँ से कवर्स के ऊपर से मार रहे, आड़ा नहीं चलाना था। उनकी 5वीं गेंद, यहाँ पर गुलशन ने 4 बॉल पे 2 छक्के खा लिए हैं। विशाल चौधरी तैयार एक बार और से, वाइड बॉल। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गुलशन 2 छक्के के बाद अपनी दिशा से भटक गए हैं, ये सोच रहे हैं अगर रडार में डालूंगा तो बहुत लंबा मार देंगे। विशाल चौधरी 5वीं बॉल खेलने के लिए एक बार फिर से तैयार, आप देख सकते हैं। और ये नो बॉल, यहाँ पर फ्री हिट का मुजाहरा आप देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ हुआ था पिछली गेंद पर वो नो बॉल के कारण बच गए, और ये फ्री हिट। और बहुत लंबा छक्का, आप देख सकते हैं बॉल दिख भी नहीं रही है, बहुत शानदार लगी तरीके से। और यहाँ पर 5 गेंद में 18 रन, मात्र 9 रन चाहिए अब। वही पिछले वाला मैच जो था वही सेम प्रतीत होता हुआ, अगर ये बॉल डॉट हो गई तो इसके बाद 1 ओवर में 9 रन चाहेंगे, पर यहाँ पर विशाल चौधरी ऐसा नहीं होने देंगे ना। और ये 6ठी गेंद इस बॉल की, डॉट गेंद। और ये वही पिछला मैच होता हुआ जो पिछला मैच हुआ था, ये उधर से दूसरे एंड से बॉलर चेंज हुए हैं अवतार सिंह, बहुत शानदार तरीके से छक्के खाते हैं, लंबे लंबे हैं। और यहाँ पर गुलशन का यहाँ पर भर दिया है साहब, इन्होंने गुलशन को पूरा ही तो पिरो दिया है यहाँ पर विशाल चौधरी ने, 3 छक्के मारकर मैच एक तरफा हाथ में ले लिया है अपने। 5 गेंद में 3 रन, क्या ये इसी बॉल पर खत्म करना चाहेंगे? और ये चौके की तरफ जाती हुई गेंद, और यहाँ पर ये मैच जीत लिया है यहाँ पर विशाल चौधरी की टीम ने। अब यहाँ पर बहुत तगड़ा हरी भी टीम, आप देख सकते हैं अवतार सिंह चौधरी अपना सिर पकड़ते हुए, गुलशन वहां पर कैप लगाते आते हुए। तो भाई जैसे अभी आपने देखा मैच जीत चुके हैं, तो फाइनल है साहिल के साथ, और अभी फाइनल मैच होगा। एक मैच हम जीत चुके हैं, नॉकआउट में 2 टीम बाहर हो चुकी है, एक टीम उनकी है वो पीछे खड़े हैं, जब से मायूस है अगले में एक उसकी दो मायूस है। तो अभी फाइनल देखो गाइस, बहुत तगड़ा मैच होगा फाइनल, दोनों टीम तगड़े। आपने साहिल की बैटिंग भी देखी होगी और मेरी भी देखी होगी लेफ्टी के साथ। तो अभी फाइनल का टॉस होता है, अभी देखते हैं फाइनल मैच का टॉस होते हुए। अब तो
तो साहिल ने बॉलिंग करी है, बॉलिंग मैच में क्या होता है, और छह बॉल, छह रन एक बॉल, और दूसरी गेंद ये चार रन के लिए जाती हुई। बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं लाजवाब, फाइनल है और फाइनल की तरह खेलते हुए। और ये तीसरी गेंद, और एक और छह रन, बिल्कुल ही धागा खोल दिया है साहिल का, ऐसे बैटिंग कर रहे हैं फाइनल की तरह। बिल्कुल परेशान हो गया कि क्या करूं ऐसे कैप्टन। और ये नो बॉल, और बहुत प्रेशर है बॉलर पे, कैप्टन अपनी कैप्टन वाली पारी खेलते हुए। और एक और, ये आउट ऑफ द ग्राउंड, छह रन, धागा ही खोल दिया है साहिल का पूरा, ऐसे बैटिंग कर रहे हैं, पागल पागल कर दिया है बॉलर को। चार बॉल 20 रन होते हुए, दो गेंद बची हैं, देखते क्या होता है इन पे। और एक और नो बॉल, और ये छह रन, बॉलर को दे सकते हैं आप, इनके टीम के कैप्टन दिलासा देते हुए इन्हें। चार बॉल 26 रन होते हुए, क्या बैटिंग करते हुए, लाजवाब बैटिंग। ओए देखते हुए, और ये सिंगल, और ये बैटिंग करने आते हुए नितिन, दो रन होते हुए देखते हैं, चार न हो जाए। ओहो यही क्या गिरते हुए, ओवर में 31 रन है, दूसरा ओवर स्टार्ट होता हुआ, दीपक लेके आते हुए ये ओवर, और ये दूसरा ओवर स्टार्ट होता हुआ पहली गेंद, और एक और छह रन, बहुत दूर जाके गिरती हुई गेंद, आप बॉलर की शक्ल दे सकते हैं। और तीसरी गेंद ये, और एक और, ये आउट होते हुए, बहुत अच्छा कैच पकड़ा है। दो ओवर में 42 रन बनाने हैं साल की टीम को, और सोच रहे हैं कैसे बनाया जाए रन, क्योंकि मेन बैट्समैन है अपनी टीम के और कैप्टन भी है। ये पहली गेंद इसमें दूसरी इनिंग की, और ये डॉट गेंद, और ये दूसरी गेंद, और ये तीसरी गेंद इस मैच की, और ये बहुत अच्छी बाउंसर, सोच रहे हैं क्या किया जाए, और ये कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश बल्लेबाज की, देखते हैं कामयाब होते हैं नहीं। और यस बोल्ड, बहुत बढ़िया विकेट, एक तरफा कर दिया है मैच, और में एक तरफा कर दिया है मैच, बल्लेबाज की शक्ल दे सकते हैं आप पूरे, बस औपचारिकता रह गई है इस मैच में। बॉल छह छक्के, और ये बोल्ड, और जीतते हुए मैच, जीत चुके हैं फाइनल, जीती हुई टीम। गाइज फाइनल हो चुका है, फाइनल हमारी टीम जीती है, लेफ्टी और मेरी, आपने देखा हो जैसे मैच में, और ये साहिल हार गए हैं। तो गाइज किस लिए खेले, सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, मैं इनसे थोड़ा सीनियर हूँ तो इसलिए थोड़ा रन भी ज़्यादा मैंने मार दिए, हो जाता है, पर सीनियर के साथ खेलना चाहिए, आपको कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि सीनियर खेल रहे हैं ऐसे खेल रहे हैं, तो आपको खेलना चाहिए। तो फाइनल हमारा हुआ, और गाइज 60 रुपीज़ के विनर हमें, और 30 रुपीज़ मिलेंगे साहिल की टीम को। तो गाइज देख लिया, हारने के बाद भी कितनी खुशी है, ऐसा ही होना चाहिए। तो गाइज कैसा लगा आपको ये व्लॉग, और मैं आपको यही बोलूंगा कि ऐसे खेलना चाहिए, घर बैठ के कुछ नहीं होता, रेनी सीजन है तो आपको जाना चाहिए ग्राउंड, कुछ भी आप कर सकते हो, फिटनेस भी कर सकते थे, पर हमने आज टेनिस मैच खेला, बहुत अच्छा मजा आया मैच खेलने में, सीखने को बहुत कुछ मिला, क्योंकि प्रेशर में आपको ऐसी बॉल डालनी पड़ेगी जब आपको रन लगते हैं। तो ये सभी जूनियर हैं, सभी सीखे होंगे बहुत कुछ, तो गाइज ऐसे ही आपको भी सीखना चाहिए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट किसी व्लॉग में, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू गाइज़।